सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। नगर निकाय चुनाव के पहले चरण संपन्न होने के बाद दूसरे चरण के लिए स्टार प्रचारक प्रचार के लिए जुट गए हैं। जहां दूसरे चरण के लिए 11 मई को मतदान होना है, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी, मिर्जापुर, अयोध्या में चुनावी जनसभा करेंगे। सीएम योगी सबसे पहले 11:30 बजे GIS मैदान बाराबंकी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं 1:45 पर बापू उप रौंद इंटर कॉलेज में जनसभा करेंगे। इसके बाद 1:45 से बापू उपरौंद इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। 2:40 पर मिर्जापुर से अयोध्या सीएम जाएंगे। वहीं 3:40 से 4:25 तक संगठनिक बैठक करेंगे। साथ ही 4:30 बजे रामकथा पार्क अयोध्या में जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें, निकाय चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। कोई भी कसर भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ रही है। वहीं बाराबंकी, मिर्जापुर, अयोध्या में आज सीएम योगी होंकार भरेंगे। बता दें, पहले चरण का मतदान 4 मई को हो गया था, वहीं अब 11 मई को दूसरे चरण का मतदान होना है। और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज भी तमाम जिलों में कार्यक्रम है, क्या कुछ उनका पूरा शेड्यूल होगा? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस निकाय चुनाव में दो जनसभाएं कर रहे हैं। अभी कल की बात करें तो उन्होंने बदायूं और शाहजहांपुर बरेली में जनसभा की थी, और लगातार अब दो दिन बचे हैं केवल चुनाव को। 11 तारीख को चुनाव होना है, दूसरी तरह का इसको लेकर के मुख्यमंत्री आज बाराबंकी में जनसभाएं करेंगे। अयोध्या में मिर्जापुर में तीन जगह उनका जनसभा होगी। अयोध्या जी की अगर बात करें तो वहां पर जो संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं वहां पहुंचे। नौ मंडल का चुनाव समाप्त हुआ, नौ मंडल का चुनाव हो रहा है, 38 जिलों में चुनाव होना है नगर निकाय का। तो आज बाराबंकी के चुनाव ये है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाराबंकी पहुंच रहे 11:30 बजे GIS मैदान में, वहां पर उनकी जनसभा होगी और वहां पर पूरी तरीके से चार चौपन व्यवस्था की गई है। जिस तरीके से वहां पर मतदाता है और जिस तरीके से राज्य जनता है वहां भारी हुजूम पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री के भाषणों को सुनने के लिए, उनकी जनसभा को देखने के लिए लोग लालाई का वहां फैसले की पूर्व कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल आज मुख्यमंत्री का जिस तरीके से बाराबंकी, अयोध्या और मिर्जापुर दौरा है वह बेहद खास माना जा रहा है। रितेश, देखा जाए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, उनके खुद स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हुए हैं, तो क्या लग रहा है इससे कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है? लगातार देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता है उनको पार्टी के कमान की तरफ से शिकायत किया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो नगर निकाय है उस चुनाव को जीतने के लिए रणी त्रिपल इंडियन की सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश करनी होगी। जिसके लिए उत्तर प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री, दो मुख्यमंत्री है, उनको सभी जिलों में लगाया गया है। प्रदेश के जो अध्यक्ष है वो खुद अपने इसकी गणना कर रहे हैं और जगह जगह जिलों में पहुंच रहे हैं। जो प्रभारी मंत्री है उनको उनके क्षेत्र में भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में जो अभी 38 जिलों में चुनाव का बचा हुआ है, यदि 11 तारीख को चुनाव होगा है, दो दिन में चुनाव प्रचार करेगा, उसको लेकर के पूरी कोशिश की जा रही है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता या नेता है, जो मंत्री है, वो लगातार क्षेत्रों में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, यूपी निकाय की कमान अपने हाथ में भी है। पार्टी ने भरोसा जताया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को भारी बहुमत से जिता सकते हैं। अभी कल की बात है, शाहजहांपुर बरेली और बदायूं में उन्होंने अपना भाषण दिया, वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने वहां पर साफ तौर पर कहा कि पहले अपराधी निर्भोक होकर के चलते थे, बहुत गर्मी होती थी, लेकिन अब अपराधी गले में तस्वीर और लगा के चलते हैं और जान की भी दुआई मारते हैं, बचने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं धंधा समाप्त हुआ है। उन्होंने ये भी साफ कहा, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि यूपी में अब चर्चा है, तो कहीं ना कहीं हर धर्म नेता के रूप में जाने 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 वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से तमाम से संभाले हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में डेली अगर जो जिले हैं जिनमें चार चार पांच पांच
मंत्रियों को सफर कर रहे हैं। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, उन्होंने 35 जिलों में से 22 जिलों का खुद सफर 7 दिनों के अंदर उन्होंने जो है सफाई की थी। तो आज बाराबंकी की जो जनसभा है जो अभी बेहद खास मानी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था लगातार चौबंद है, 25 को जवानों को लगाया गया है वहाँ पर और 10 कंपनी 10 डिप्टी एस पी भी लगाए गए। तो इस तरीके से पूरी जो माहौल वहाँ का बाराबंकी का आज बहुत बड़ी एक जनसभा होने जा रही है। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। बता दें निकाय के रण को देखते हुए कोई भी पार्टी कोई भी दल कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। वहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार मैदान में उतरे हुए, बता दें कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे हुए हैं और अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। आज भी सीएम योगी का तमाम जिलों में कार्यक्रम है, तमाम जनसभा को संबोधित करेंगे। बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव की सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। प्रथम चरण के मतदान को देखते हुए दूसरे चरण में भी सपा की तैयारियां जोरों पर हैं। सपा अध्यक्ष आगामी चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी क्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अलीगढ़ और मेरठ दौरे पर रहेंगे, जहां अखिलेश यादव चुनाव को लेकर रोड शो करेंगे और जनता से सपा प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करेंगे। बता दें आगामी निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। अखिलेश यादव आज दौरे पर रहेंगे, बता दें अलीगढ़ और मेरठ दौरे पर अखिलेश यादव रहेंगे, चुनावी हुंकार भरेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, निकाय चुनाव के दूसरे चरण को देखते हुए जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, वहीं समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज अखिलेश यादव का तमाम जिलों में दौरा है, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम होगा अलीगढ़ और मेरठ में? जी मयूरी, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का प्रथम चरण सम्पन्न हो चुका है। सफलतापूर्वक 9 मंडलों में मतदान हुए और अगर बात की जाए तो अब दूसरे चरण का मतदान होना है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो अब अंतिम कहीं ना कहीं प्रचार का अंतिम दौर चलना है और 11 मई को मतदान होगा। अगर बात की जाए तो इस चुनाव को लोकसभा के सेमीफाइनल के तौर पे गिना जा रहा है। तो वही अगर देखा जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री, साथ ही साथ राज्य के कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं तमाम पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा इस चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास किया जा रहा है। भरसक कोशिश की जा रही है कि उनके सभी दल अपने पाले में चुनाव को कर सके। उसी को मैं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी भी अब इसमें कहीं ना कहीं पीछे नहीं रही है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब कर्नाटक का दौरा खत्म करके आज बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ और साथ ही साथ अलीगढ़ नगर निगम में कहीं ना कहीं सपा के समर्थक, सपा के पक्ष में वोट मांगते हुए नजर आएंगे। आपको बताएं कि अगर बात की जाए तो विवांशु से संपर्क टूट गया हमारा, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें अखिलेश यादव अलीगढ़ और मेरठ दौरे पर रहेंगे। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का आज रोड शो होगा। आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। कोई भी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, सभी की यही कोशिश है कि जीत हासिल करें। बता दें अखिलेश यादव का अलीगढ़ और मेरठ दौरा है, चुनाव को लेकर अलीगढ़ में रोड शो करेंगे। बता दें अखिलेश यादव आज तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे और अपने प्रत्याशी के हक में जनता से वोट की अपील करेंगे। बता दें इस निकाय चुनाव में सीधी लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच मानी जा रही है। ये लड़ाई बड़ी ही दिलचस्प मानी जा रही है क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा के चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कोई भी दल कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजन हमसे जुड़ चुके हैं। राजन,
निकाय चुनाव को देखते हुए सभी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाह रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव का आज चुनाव को देखते हुए मेरठ में दौरा है, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम होगा? देखिए मयूरी, बिल्कुल 1:50 पर अखिलेश यादव मेरठ हवाई पट्टी पर उतरेंगे और उसके बाद में लिसाड़ी गांव में रोड शो करेंगे। ये रोड शो पूरे तरीके से साइकिल से किया जाएगा और ये वो इलाका है जो मेरठ की पुराना इलाका है, मेरठ की पुरानी बस्ती है। यहाँ पर दलित और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, उन्हें साधने की अखिलेश यादव कोशिश करेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिलहाल 1:50 का जो कार्यक्रम सरकारी जारी हुआ है, उसके बाद में ये 4 घंटे मेरठ में रहेंगे। मेरठ के विभिन्न इलाकों में मेयर प्रत्याशी सीमा प्रधान के समर्थन में ये वोट की अपील करेंगे और उसके बाद में 4 घंटे बाद ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जो प्रेस वार्ता करके विभिन्न मुद्दों पर ये जानकारी देंगे अखिलेश यादव। उसके बाद में बताया ये भी जाता है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक रफीक अंसारी, उनकी पत्नी का टिकट नहीं हो पाया था, इससे वो नाराज भी चल रहे हैं। तो माना ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव इस रोड शो के बाद में उनके घर पे जाकर उन्हें मनाने की भी कोशिश की जाएगी, जो भी इनके गिले शिकवे हैं वो भी दूर किए जाएंगे। जी मयूरी, तो राजन जो अखिलेश यादव के कार्यक्रम होने हैं उसको लेकर तैयारियां कैसी देखने को मिल रही हैं, सुरक्षा की क्या इंतजाम है और अखिलेश यादव के साथ और कौन लोग मौजूद रहेंगे? देखिए, यह स्पष्ट रूप से कहा नहीं जा सकता कि अखिलेश यादव के साथ में कौन रहेंगे, क्योंकि अखिलेश यादव खुद अपने आप में बड़ा चेहरा है। लेकिन माना जा रहा है कि जब अखिलेश यादव खुद मेरठ आ रहे हैं तो बड़े चेहरे भी समाजवादी पार्टी के मेरठ में देखने को मिलेंगे। और वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जैसे ही कार्यक्रम पता चला कि अखिलेश यादव का मेरठ दौरा है, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ अलर्ट मोड पर है। जगह जगह बैरिकेड लगा के चेकिंग की जा रही है, रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस जगह वो रोड शो करेंगे, साइकिल से मार्च करेंगे, लोगों से वोट की अपील करेंगे, सीमा प्रधान के समर्थन में वोट की अपील करेंगे लोगों से, वहां पर बाइक से भी जाना मुश्किल हो पाता था। वैसे में देखना यह है कि साइकिल से आखिर रोड शो किस तरीके से कर पाते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ जिमखाना मैदान में आए थे, जहां उन्होंने भाजपा के हरिकांत आहलूवालिया के समर्थन में वोट की अपील की थी और एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया था। मेरठ में अगर टक्कर की बात करें तो मेरठ में टक्कर पर केवल दो ही है, एक साइकिल है और एक पुल है। पुल से हरिकांत आहलूवालिया है और साइकिल से सीमा प्रधान है। अब ऐसे में देखना यह है कि मेरठ की सीट पर, मेयर की सीट पर आखिर कौन काफी चुनौती देखने वाली बात होगी। मैं राजन, देखा जाए 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है और जो सीधी लड़ाई मानी जा रही है वो भाजपा और सपा के बीच मानी जा रही है, तो क्या लग रहा है कौन किसको टक्कर देता हुआ नजर आएगा, कितना दिलचस्प रहेगा ये मुकाबला? देखिए, बिल्कुल बहुत ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि टक्कर बिल्कुल मैदान में सिर्फ दो ही पार्टियां नजर आ रही हैं, वो साइकिल है और कमल का फूल है। ऐसे में लोकसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में बहुत चीजों को लेकर समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है, उसी को लेकर विभिन्न जगहों पर बैठकें भी हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो भी लोकसभा चुनाव की। ये माना जा रहा है कि इस चुनाव को देखते हुए लोकसभा चुनाव भी साधने की कोशिश की जाएगी। अब ऐसे में आने वाला समय ही बता पाएगा कि आखिर जनता पूरे भारत में कमल का फूल खिलाएगी या फिर साइकिल चल पाएगी, देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद राजन तमाम जानकारियों के लिए। निकाय चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का आज रोड शो होगा। बता दें आगामी चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। वहीं इसी को देखते हुए अखिलेश यादव अलीगढ़ और मेरठ के दौरे पर रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।